बिहार विधानसभा के दो सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर 30 अक्टूबर को हुए मतदान के मतगणना का कार्य आज जारी है। अभी हम खड़े हैं राबड़ी आवास के बाहर और राबड़ी आवास के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से अभी फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है और कुशेश्वर स्थान पर चूंकि जेडीयू लीड कर रही है और तारापुर में आरजेडी लीड कर रही है, बावजूद इसके राबड़ी आवास में जहां लालू प्रसाद यादव भी अंदर बैठे हुए हैं और राबड़ी देवी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, शिवानंद तिवारी भी अंदर बैठे हुए हैं। और ये देखिए एक यहां पर बाइक से लालू यादव के प्रचंड जिस प्रकार से झंडा लगाकर घूम रहे हैं यहां देखा जा सकता है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सुनिए बाबा कुछ गए हैं लौट के आएंगे, इधर ही चक्कर लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से आरजेडी का झंडा लगाकर बाइक से घूम रहे हैं वो। और यहाँ देखिए ठीक राबड़ी आवास है और राबड़ी आवास के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ है, लेकिन जो समर्थक हैं या वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव खुद दरभंगा कुशेश्वर स्थान में है और पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो है वो तारापुर विधानसभा क्षेत्र भेजे गए हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो काउंटिंग में। और देखिए ये मोटरसाइकिल सवार फिर से चले आए हैं लालू राबड़ी के समर्थक, हम उनको रोकते हैं। और ये देखिए छाता पकड़े हुए एक हाथ से दूध की बाल्टी लटकाए हुए हैं और बाइक एक हाथ से चला रहे हैं, एक हाथ से छाता पकड़े हुए हैं। वो देखिए फिर आगे बढ़ गए हैं, 2777 नंबर है उनके बाइक की और वो अभी इशारा करके गए हैं कि वो लौट के आएंगे। अब देखना है कि देखिए वो काफ़ी आगे तक चले गए हैं, आरजेडी के प्रशंसक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं और देखिए वो घूम रहे हैं, अभी वो घूम कर वापस यहाँ आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार के समर्थक हैं, क्या चाहते हैं, दो सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के उनका क्या कहना है, क्या मानना है। और देखिए गुनगुनाते हुए आ रहे हैं। क्या गुनगुना रहे थे आप बताइए? हम भैया गुनगुनाए काहे लगी, हम तो जनते के हाथ में है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। हमारा खुशी है, हम खुशी से घूम रहे हैं। हमारा अपना चुनाव और रोग सरकार से हमारे बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से उनको मिलेगा, इतना मिलेगा जायज का जायज, दूध का दूध और पानी के पानी आज कर दिए, आज मैं खुश हूँ। सरकार को बधाई देंगे या फिर लालू जी को या राबड़ी जी को? हमारी सरकार को बधाई, हमारे आज का चुनाव जो हुआ है इसमें इनको हम बहुत बधाई देंगे और आगे चलकर जो भी मेरा चुनाव में कोई लोग का जीत नहीं था, मेरा जीत था। हमने बार बार बोल रहे थे तो हमारा आरजेडी जीता हुआ है और हम लोग का क्या लगता है आज कौन सा सीट जीतेंगे आप लोग? कौन सीट? दोनों सीट। कौन कौन सा है? दो वो सीट है सर। कौन कौन सा सीट है दोनों? आरजेडी का दोनों सीट है। बताइए कौन सा है? हम तो भैया पढ़ल लिखल उतना कम है, दोनों सीट, एगो यहाँ का है भागलपुर का भी है, एगो तारापुर का से, जो भी दोनों सीट हमारा, हम उतना नहीं भैया पढ़ल लिखल नहीं है। आपको इस सरकार में नीतीश जी आपको क्या लगता है क्या गड़बड़ की है? नीतीश बाबू तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, नीतीश बाबू तो बेनी का लोटा है, जिधर लोटा जाएगा उधर जो कहेंगे हाँ कहेंगे। आज भी बाधा लालू जी के नहीं तोड़े हैं, वो बाधा पर चलते हैं, सिस्टम में चलते हैं, वही सिस्टम लालू जी कहें तब बबुआ हो मानना कहनवा हो बबुआ मिली जुली घरवा चलई हो बाबा के धनवा बचाई के रहबा कमावा करी। आज हमारे लालू जी का अति से रीजन से राबड़ी माई मुख्यमंत्री बन गए, बेटा मुख्यमंत्री बन गया और तेज प्रताप भी आज उनकरे भाग से और तेजस्वी बाबू तो मुख्यमंत्री बनने वाले। लेकिन तो यहाँ दोनों भाई के बीच में लड़ाई भी होता है? नहीं नहीं, ये तो एक ठाई भाई लाए तो सबको चुनावे करेगा, हम लोग भाई भाई में एक हाथों कर एक हाथों कर और फिर दोनों भाई झंडा लेके हाँ हम लिखे तो काम है दोनों भाई के। बाबू जलम दे करम के भागी नाही दोनों भैया के अपन अपन भगिया देखिए छठी मैया पिन्ह हो तेजस्वी बाबू पियरिया
फैलाया रागा के बेरिया। आप सिर पे जो है हरा रंग का पगड़ी है, नीचे में भगवा बांधे। ये भगवा नहीं है सर, ये तौली है। ये तो मोदी बाबू का हमारा गमछी दिए। तब बेटा हो सब तू जानी गई लाल, आई अब तू हमारा के चुतर में, मतलब हमारा तू दादाजी है। तो दादाजी कहीं तो अब तू हमारा कपड़ा पहनो वस्त्र, नीचे में हम तुम्हारा साथ। मोदी बाबू खराब आदमी नहीं है, तो सपोर्ट करेंगे तभी ना आगे चलेंगे। तब मोदी बाबू अपन अपन भगिया देखिए छठी मैया, पेन्हा हो तेजस्वी बाबू पियरिया, भैया रग के बेरिया। आप सिर पे जो है हरा रंग का पगड़ी है, नीचे में भगवा बांधे। ये भगवा नहीं है सर, ये तौली है। ये तो मोदी बाबू का हमारा गमछी दिए। तब बेटा हो सब तू जानी गई लाल, आई अब तू हमारा के चुतर में, मतलब हमारा तू दादाजी है। तो दादाजी कहीं तो अब तू हमारा कपड़ा पहनो वस्त्र, नीचे में हम तुम्हारा साथ। मोदी बाबू खराब आदमी नहीं है, तो सपोर्ट करेंगे तभी ना आगे चलेंगे। तब मोदी बाबू गंगा में तलब ना मरलन, मंदिलवे में मरल हो दादाजी, दादाजी मरलन हमर। आ नीतीश बाबू में गलती नहीं थे, बड़का मथवाला जे बानू उहे गलती भारी कलक है भैया। अमित शाह नाम है, औसन माथा तो हम देखबे न कहीं है, कब ही भैया। नाम बताइए आपका, क्या नाम है? हमर मुंशी राय नाम है सर। आप कहाँ से रहने वाले? हम छोड़ी टोला दानापुर के रहने वाले हैं। ठह गया तो ये मुंशी राय थे, देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी बातें कही। राजीव नगर में हम आ गए सर, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तेजस्वी यादव को, और इन्होंने कहा कि मोदी में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये दोनों का सम्मान करते हैं। तो ये है, तो आप देख सकते हैं मुंशी राय को, अब यहाँ से वो प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से फिर वो निकल चुके हैं। तो ये स्थिति है राबड़ी आवास के बाहर की, और यहाँ देखिए वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, मीडिया कर्मियों की भीड़ है, और लोग जो हैं यहाँ पर अभी धीरे धीरे जुटना शुरू हुए हैं। 29 राउंड की काउंटिंग होनी है तारापुर में, और 23 राउंड की काउंटिंग होनी है कुशेश्वर स्थान में। कुशेश्वर स्थान में अभी 14वें राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है, और तारापुर में 10वें राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है। यानी यह काउंटिंग अभी देर शाम तक चलेगी, इसीलिए संभवतः लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर अभी भीड़ नहीं है। तो अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम क्या आते हैं, और उसके बाद यहाँ के राजनीतिक हालात किस तरह से रहते हैं। नीलकमल, NBT न्यूज़, पटना।